गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्क जो कि 9th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी। अब सबसे पहले हम वर्क को डिस्कस करेंगे। डेली वेज में हम बहुत सारे काम करते हैं अपने आसपास, यानी यहाँ से कोई चीज़ को वहाँ रखना, उधर से किसी चीज़ को उठाना, इसको वहाँ पे मिसप्लेस करना, इसको वहाँ पे प्लेस करना, मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं तो इनको करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमें, ठीक है, कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो फोर्स क्या करता है, उसकी पोजीशन चेंज कर देता है, ठीक है, पोजीशन चेंज कर देता है, उसको डिसप्लेस कर देता है थिंग को। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे अब। अब वर्क की पहले डेफिनेशन की अगर सिंपली आप वर्क डेफिनेशन की बात करो तो वर्क क्या है, वर्क है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है कि जब वर्क कब कब होता है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्प्लेसमेंट। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। अगर वर्क को हम W से डिनोट करते हैं और फोर्स को F से, जबकि डिस्टेंस को हम किससे करते हैं, S से, F और S, यानी डिस्प्लेसमेंट को S से और फोर्स को F से और वर्क को W से डिनोट करेंगे हम इसको। तो ये क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है। अब वर्क के बारे में अगर बात करते हैं तो वर्क की यूनिट, बात आई वर्क की, तो सबसे पहले हम वर्क की यूनिट जानेंगे कि वर्क की यूनिट क्या होती है। अब वर्क यूनिट की बात आती है तो वर्क फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे छोटी, तो न्यूटन मीटर, यानी वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर नहीं होती, ये न्यूटन मीटर यानी इसके हिसाब से न्यूटन मीटर होगी। लेकिन अगर ऐसा ही यूनिट की बात करें, ठीक है, ऐसा यूनिट किसकी, वर्क की, तो क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल, हमेशा याद रखना, ऐसा यूनिट वर्क की जूल होती है। और सीजीएस सिस्टम में इसकी बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है, अर्ग। क्या होती है, अर्ग। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट अर्ग होती है, एसआई सिस्टम में इसको जूल में। और वन जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग की इक्वल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वन जूल किसके ऊपर 10^7 अर्ग के इक्वल होता है। अब बात आती है वर्क। अब वर्क को अगर डिफाइन करें तो जैसे हम बोलते हैं वर्क पॉजिटिव और वर्क नेगेटिव, यानी वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होगा, जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, उस पर यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी इसने फोर्स बॉक्स के ऊपर फोर्स पुल लगाया और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो यानी कुछ ना कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी जो हमने फोर्स लगाया वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इस उसमें क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव की बात, आ गई पॉजिटिव क्या है, यानी जब हम किसी कोई काम को करते हैं और वो काम, मतलब जैसे जिसने डिस्प्लेस किया तो ये काम किया इसने, बाई चांस अगर कहीं पे लग रहा हो आपको फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो नेगेटिव कब हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की, फोर्स को नेगेटिव की बात क्या हो जाएगी, मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, या कोई गाड़ी है, मूविंग गाड़ी कह सकते हो, मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसमें मान लो इंजन है, ठीक है, इंजन इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, नीचे सड़क है, ठीक है, इंजन अपना काम कर रहा है, यानी इंजन क्या करेगा,
मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहा है, अपना काम कर रहा है, क्यों इंजन फोर्स सप्लाई करेगा? तो ये गाड़ी के व्हील्स हैं, इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे और ये मूव करेगी, गाड़ी भी मूव करेगी, दोनों चीज मूव कर रही हैं। लेकिन इस मेथड में, इस उसमें अगर हम बात करें कि जो वर्क है वो तो हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? अब फ्रिक्शन हो रहा है क्योंकि टायर्स और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। और फ्रिक्शन क्या करता है आपको पता है? फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, फ्रिक्शन होता क्या है? दैट अपोजिज मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजिज मोशन, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ फोर्स, प्रेशर एग्जर्ट, फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट करता है, जिससे कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा उसमें आ जाता है, मतलब रेस्ट में आने, उसको रोकने का, उसकी गति को कम करने का काम करता है। फिर बात आती है, अब काम नेगेटिव कब हो रहा है? मान लो कोई एक, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आएगा कि एक स्लोप है कोई भी, ठीक है, एक स्लोप पे यहाँ से कोई गाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, वो इसको खींच रहा है, लेकिन ये इसमें वेट ज़्यादा है और स्लोपिंग में डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक इसमें आप एक बात नोटिस करना, इसमें क्या हो रहा है? फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, यानी इसको रोकने के प्रयास कर रहा है, लेकिन स्लोपिंग एरिया में होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसका वेट ज़्यादा है, इसको रोकने में सक्षम नहीं है। यानी इसका मतलब क्या होगा? फोर्स तो लग रहा है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स तो हो गया जीरो और डिस्प्लेसमेंट चाहे कितना हो, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कितना भी फोर्स काम करे ये, लेकिन जब तक वो ये अपना मतलब जो जो फोर्स है और वो डिस्प्लेसमेंट कुछ शो नहीं करेगा, तब तक क्या हो जाएगा? वर्क जीरो हो जाएगा। अब मान लो कोई टॉय टॉय कार है, ठीक है, कोई टॉय कार है, कोई बच्चा उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है, ठीक है, तो इस टॉय कार के बीच में और इस बच्चे के बीच में, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। अगर वो एंगल एक्यूट एंगल है, क्या है? एक्यूट एंगल है, तो वर्क हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब एक्यूट एंगल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, यानी लेस देन 90 डिग्री, यानी वो एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। लेस देन 90 होगा तो यानी ये एंगल क्या हो जाएगा? कोई कुछ कुछ ना कुछ काम हो रहा है। इसमें कंडीशन होती है बेटा, इसमें कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट वो नॉन जीरो होने चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, तो उसमें अगर नॉन जीरो है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। वर्क अगर बाई चांस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मान लो ये एंगल अगर इससे बड़ा होगा तो क्या होगा? वर्क नेगेटिव होगा। एक्यूट एंगल से कम होगा तो पॉजिटिव, एक्यूट एंगल से बड़ा होगा तो नेगेटिव होगा। नंबर दो, अगर 90 डिग्री होगा तो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा हमेशा, ठीक है। तो ये फोर्स के बारे में पढ़ लिया आपने। अब यहाँ तक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा, वो आएगा एनर्जी। क्या आएगा? इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? वर्क का फॉर्मूला है। फोर्स दिया हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और वर्क दे रखा हो तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आएगा कि जो हमने बताया कि एंगल की बात हम कर रहे थे, एंगल अगर 90 डिग्री से अबव होगा तो भी वर्क नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्क का हो गया। अब एनर्जी आता है, एनर्जी का हम डिफाइन करना चाहें, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी किसी काम को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी बर्न करनी पड़ती है, ठीक है। एनर्जी को अगर बात की जाए तो कैपेसिटी होती है, क्या होती है?
कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। किसी काम को करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी, एनर्जी होनी चाहिए हमारे अंदर। एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म होती हैं, ठीक है, एनर्जी की अलग अलग फॉर्म होती हैं। उन फॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, एनर्जी के बारे में। सबसे पहली जो फॉर्म एनर्जी की आप बात करो, इसको हम किस में नापते हैं एनर्जी को, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, नहीं पता? एनर्जी की यूनिट नहीं पता आपको? एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। ठीक है, अब एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। एनर्जी को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो, जब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होगी एनर्जी, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, एनर्जी, सॉरी, एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एनर्जी की जो यूनिट है वाट नहीं होती, सॉरी, एनर्जी की यूनिट नहीं होती वाट, वाट होती पावर की। वो अगला, इससे अगला टॉपिक आएगा हमारा। अब एनर्जी की बात आ रही है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम को करने की अक्षमता। तो एनर्जी को हम किस में नापते हैं, जैसे हम वर्क को किस में नापते हैं, जूल में, तो एनर्जी को हम नापते हैं 1 जूल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगर आएगा तो 1 किलो जूल हो जाए, किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है, किस में आएगा, जूल में, ठीक है। तो वर्क की पावर जो यूनिट है हमने क्या पढ़ी थी, जूल। तो एनर्जी की, यानी किसी काम को करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर हम करें द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाई गई एनर्जी, या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कह सकते हो, द यूनिट ऑफ एनर्जी द सेम एज दैट द वर्क, यानी बिल्कुल उसके वर्क के बराबर होगी, यानी जूल। 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 जूल वर्क करने के लिए, ठीक है। तो जो यूनिट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, किलो जूल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, किलो जूल, किलो जूल हो जाएगी बेटा, ठीक है। और 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल के इक्वल होती है, ठीक है। अब एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है, नाम सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सभी लिख सकते हो आप इसके बारे में, यानी लाइट एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म है, ये क्या है, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, वो बेटा इनकी फॉर्म, अभी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आएगा उसके बारे में, ठीक है। ये तो आ गई एनर्जी की फॉर्म्स। अब एनर्जी के बारे में एक कहावत है, ठीक है, एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है, बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी क्या होता है, एनर्जी को
ना तो पैदा किया जा सकता है ना एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब फॉर्म की बात करते हैं तो जैसे अब जर्नल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरी जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी होगी, ठीक है, साउंड एनर्जी, ठीक है, वो माइक के माध्यम से क्या हो रही है, वायर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के वो दोबारा जब हम उसको लगा लो फोन पे जब चलाओगे तब क्या हो जाएगी, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, साउंड एनर्जी के भी हैं, लाइट एनर्जी के भी हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी में और जैसे बात करते हैं हम, कोई ऑब्जेक्ट जब जलता है बर्न करता है तो हीट एनर्जी भी निकलती है, लाइट एनर्जी भी निकलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सिग्नल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं हम, ठीक है, वो रेडिएशंस के माध्यम से, ठीक है, रेज के माध्यम से क्या होती है, वेव्स के रेडिएशन टावर से कनेक्टिंग करके हमारी साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सिग्नल्स के माध्यम से दूर बैठे आदमी से फिर वहाँ से हम कनेक्ट होकर के, यानी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, वहाँ से साउंड ले रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर वहाँ से वापिस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट, तो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। लाइट जैसे इंजन काम करता है, ठीक है, वो भी काम कर रहा है, गाड़ी मूव कर रही है, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, इंजन तो काम कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी पे, ठीक है, और गाड़ी मूव कर रही है तो ये मैकेनिकल एनर्जी होगी ना, मूवमेंट यानी मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। तब फिर आता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, नेक्स्ट हमारा आएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होती है गतिज ऊर्जा, मूवमेंट की बात करते हैं यानी मोशन, और ये होती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म कहलाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो गतिज ऊर्जा, यानी कोई बॉडी काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या क्या कर रहा है, काम कर रहा है फास्टर तेजी से, ठीक है, और तेज काम कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है मूविंग रिलेटिविटीज वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। तो मूविंग फॉर एग्जांपल बुलेट लगा लो, ठीक है, बॉलिंग ब्लोइंग वाइंड है यानी चलती हुई हवा का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, रोटेटिंग व्हील्स हैं, स्पीडिंग स्टोन है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, जैसे बुलेट में हमने किसी टारगेट पर हमने क्या किया, उसको लगाया और टारगेट पर हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है, मोशन के थ्रू वो, यानी जब उसमें मोशन ऑब्जेक्ट हो एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो क्या हो जाएगी, एनर्जी उसको आगे की तरफ धकेलेगी, इस एनर्जी को क्या कहलाएंगे हम, काइनेटिक एनर्जी, यानी मोशन पजेस, यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर मोशन उसके ऊपर लगाया गया है जिससे वो चलेगी। जैसे कोई एग्जाम्पल कोकोनट का ले लो आप, नारियल का पेड़ से नारियल गिर रहा है नीचे, ठीक है, तो या कोई चलती हुई कार है तो ये या रोलिंग स्टोन है या फिर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, जितने भी फ्लोटिंग वाटर है, रनिंग एथलीट्स हैं, ये सब क्या है, काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करने, किसको कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करें। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को पोजेस कर रही है ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, साथ में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे हम जब मोशन पोजेस करेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार क्या है, मूविंग बॉडी है वो क्या करेगी, स्पीड अप हो जाएगी।
इसी प्रकार जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, एक जगह पे सर्टन वेलोसिटी वेलोसिटी पे आकर के क्या हो जाएगी, अक्वायर हो जाएगी, वो एक स्पीड पे आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर बात ज़्यादा डीपली हम इसको करेंगे नहीं, ठीक है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यानी किसी एक लेवल पे जा करके, ठीक है, एनर्जी का स्टोर हो जाना, स्टोर्ड फॉर्म। जैसे हमने पढ़ा था, तो किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी है, ठीक है, वह जब बढ़ जाती है थ्रो ए हाइट, यानी जब उसकी कुछ हाइट पे जा करके क्या हो जाए, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि वर्क जो है वो हो चुका है, क्योंकि वर्क उसने कर लिया, एक हाइट पे जाकर के उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करती है, एनर्जी ग्रेविटी की वजह से बाइंड करके रखती है। ग्रेविटी क्या करती है, कुछ हाइट तक के मतलब क्या हो जाती है, स्टोर रखती है उसकी, यानी कुछ हाइट पे जा करके वो क्या कर देती है, अपनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसकी हाइट पे जा करके। अब वर्क डन हमने पढ़ा था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ग्रेविटी की, ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो W इज इक्वल टू एम जी एच, यानी ग्रेविटी मास और कुछ हाइट पे जा करके वो क्या हो जाएगा, इसको एम जी एच से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल, यानी पोटेंशियल के बाद मतलब होता है स्टोर्ड फॉर्म में किसी चीज़ को रखना। अब एनर्जी की वेरियस फॉर्म्स हमने पढ़ा, हमने बताया कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, हमने पढ़ा था जो पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी ऑब्जेक्ट की और काइनेटिक एनर्जी क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट होती हैं, क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट, और दोनों का सम क्या होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी इन दोनों से, ये दोनों क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल के पार्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। अब बात आती है पावर की, नेक्स्ट हमारा आएगा पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम को करने की दर क्या हो जाती है, पावर। क्योंकि हमने बताया कि ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, किसका, एनर्जी का, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इस प्रकार क्या होगा, मान लो कोई स्ट्रोंगर पर्सन है, ठीक है, उसमें पावर है, किसी चीज को उठा रहे हो आप, इधर से उधर रख रहे हो, तो ये क्या यूज कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है। अब कितनी एनर्जी लगा रहे हो, यानी कोई एक स्ट्रोंगर पर्सन है, ठीक है, कुछ काम कर रहा है, कुछ भी लगा लो, और एक मोर लगा लो, कोई व्हीकल है, पावरफुल व्हीकल है, वो ये अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। पावर क्या है, पावर की बात करें, पावर मेजर करती है द स्पीड ऑफ वर्क डन। पावर से हम वर्क डन कितना किया है उसकी स्पीड को नोट करते हैं। तो पावर का अगर फॉर्मूले की बात की जाए, तो पावर इज इक्वल टू वर्क, कितना हुआ है, रेट ऑफ वर्क प्लस अपॉन सॉरी ओब्लिक टाइम, यानी कितना काम हुआ है और कितने समय में हुआ, ये क्या है, पावर की यूनिट है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क इज इक्वल टू ना सॉरी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कितना काम हुआ है, कितनी पावर से कितना काम हुआ और कितने समय में, यानी उसकी रेट निकल आएगी, ठीक है। अब हमने पढ़ा था इसकी यूनिट क्या होगी, वाट होती है, ठीक है, जो पीछे हमने वहाँ पे जो एनर्जी की यूनिट बताई थी वो एनर्जी की नहीं होती बेटा, वो हमने बता दिया था आपको, ये होती है पावर की यूनिट, जो वाट की बात करें थे, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, ठीक है। और 1 किलो वाट इज इक्वल टू
1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट के इक्वल होता है, ठीक है। और और जिसको अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है।